अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका की संभावित उम्मीदवारी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले चुनाव समिति तय करेगी उम्मीदवार, थोड़े दिन में सब साफ हो जाएगा। आज रात 8 बजे होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बैठक में पंजाब और यूपी की सीटों पर हो सकती है चर्चा। पंजाब में चुनाव प्रचार की भी रणनीति बनेगी। अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय, आज हो सकता है आधिकारिक ऐलान। अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा हमारी इच्छा है कि अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ें, फैसला सभी को मान्य होगा। गुजरात के वलसाड में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना, बोली संविधान बदलने की बात कर रही बीजेपी। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा पीएम संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, मन से इनकार करते हैं, पीएम अपने उम्मीदवारों से दिलवा रहे बयान। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शरिया कानून लाना चाहती है कांग्रेस, आतंकियों को बिरयानी खिलाती है कांग्रेस, अन्याय पत्र है घोषणा पत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर प्रहार, बोले चुनाव हार रहा है विपक्षी गठबंधन, हार का ठीकरा ईवीएम पर डालते हैं विपक्ष के लोग। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा बैलेट लूटने वाले ईवीएम को नकार रहे हैं, देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। पोरबंदर की चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया, बोले राहुल गांधी साफ हैं हर जगह पर, सिर्फ मोदी मोदी। ईडी के आरोपों पर सीएम केजरीवाल ने दिया जवाब, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब किया दाखिल, बीजेपी पर लगाए कई आरोप, ईडी के काम पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में केजरीवाल ने कहा ईडी के 4 गवाहों का संबंध बीजेपी से, बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाए, 4 गवाहों के बयान पर मेरी गिरफ्तारी। मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ की बैठक, केजरीवाल की सेहत की समीक्षा, कोर्ट के आदेश पर बना है मेडिकल बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पत्नी सुनीता को मिली चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी, आज से पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में करेंगी रोड शो, आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगी वोट। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का वार, कहा केजरीवाल ने दिल्ली में खड़ा किया संवैधानिक संकट, दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, केजरीवाल को मिलनी चाहिए सजा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना, बोले केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता के पैसों से बनाया बंगला, केजरीवाल को कुर्सी और बंगले का मुंह। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला, कहा केजरीवाल सत्ता के लालची हैं, जेल में रहकर सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, देश से ज्यादा निजी हितों पर। दिल्ली में मेयर चुनाव टलने के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के अयोध्या में एक बस से 99 बच्चों को बरामद किया गया, बिहार के अररिया से सहारनपुर जा रही थी बस, 5 मौलवी बच्चों को लेकर जा रहे थे सहारनपुर। अयोध्या में बरामद हुए बच्चों के पास ना आधार कार्ड ना सहमति पत्र, बाल संरक्षण आयोग और पुलिस ने की कार्रवाई, मामले में अयोध्या पुलिस कर रही है पूछताछ। कांग्रेस ने केरल में लोकसभा चुनाव को लेकर सीपीएम पर लगाया बड़ा आरोप, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा सीपीएम ने चुनाव प्रक्रिया पर कब्जा किया, वोटरों को परेशान किया गया। संदेश खाली के अगरहटी पहुंची सीबीआई की टीम, जमीन हड़पने के मामले की कर रही जांच, शिमुलहटी में जांच के बाद पहुंची शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने का आरोप। संदेश खाली मामले में टीएमसी ने की ईसी से शिकायत, सीबीआई की रेट को लेकर की शिकायत, चुनाव तक राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगे। बंगाल में शाहजहां शेख के करीबी की तलाश तेज, अबू तालिब शेख की तलाश में जुटी सीबीआई, सीबीआई और एनएसजी की छापेमारी में घर से मिले थे हथियार। ममता सरकार पर बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल का दावा, कहा आतंकी का साथ देती है ममता, ममता की पुलिस सो रही थी, 4 जून को टीएमसी को जवाब मिलेगा। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर के अंदर गिरी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अंदर बैठते वक्त गिरी ममता, प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से जा रही थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, 7 साल की सजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन धनंजय को मिली जमानत, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और साउथ गोवा में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी और मोदी सरकार पर प्रहार, कहा देश की जनता कह रही है कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल, पूरी बीजेपी डिप्रेशन में है।
उद्धव की शिवसेना के सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर आरोप, कहा देश के नहीं गुजरात के पीएम है मोदी, पीएम मोदी किसानों के दुश्मन है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सात सदस्य बीजेपी में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन, लखनऊ से भरेंगे अपना पर्चा, कल शाम को लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मणिपुर में आधी रात को सीआरपीएफ बटालियन पर बम से उग्रवादियों ने हमला किया, दो सीआरपीएफ जवान शहीद, दो जवान घायल, विष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में हुआ हमला। मशहूर टीवी स्टार गुरुचरण सिंह 5 दिन से दिल्ली से लापता, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस, सीसीटीवी में बैग के साथ कहीं जाते दिखे गुरुचरण। नैनीताल के जंगलों में लगी भयंकर आग बेकाबू, भवाली रोड के पास भड़की आग, सेना ने संभाला मोर्चा, भीमताल झील के पानी से हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश। उत्तराखंड के हल्द्वानी के जंगलों में आग का तांडव जारी, हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर राख, आग बुझाने की कोशिश तेज। बागेश्वर में जंगलों की आग का तांडव, आबादी वाले इलाके तक पहुंची आग, इलाके में फैला धुएं का गुबार, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हल्द्वानी का दौरा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रभावित इलाकों का करेंगे निरीक्षण, आग बुझाने के ऑपरेशन की करेंगे समीक्षा। जंगलों में लगी आग पर उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान, कहा जंगलों की आग हमारे लिए बड़ी चुनौती, प्रशासन लगातार मुस्तैद है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे में बस में लगी भीषण आग, टायर फटने से आग की चपेट में आई बस, बस में सवार थे 36 यात्री, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम में भीषण आग लगी, गोदाम की खिड़की से निकली आग की लपटें चारों ओर फैला दिखा, काले धुएं का गुबार। दिल्ली के रोहिणी में एक अपार्टमेंट में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, घटना में 2 लोगों की आई को आई मामूली चोट। बिहार के पटना में होटल में आग का तांडव, मौके पर अफरा तफरी का माहौल, हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं। नोएडा में निर्माणाधीन इमारत के ऊपरी मंजिल में आग का कहर, आसमान में दिखा धुआं ही धुआं, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, आग का कारण अज्ञात। जम्मू कश्मीर के रामबन में 1 किलोमीटर से ज्यादा जमीन धंसी, कई बिजली के टावर गिरे, सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, सड़क संपर्क भी टूटा। जमीन धंसने से परनोट गांव में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, 300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, गांव से लोग कर रहे पलायन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बदला मौसम का मिजाज, मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी, सड़कों पर जलभराव, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति सहित ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, चारों ओर दिखी बर्फ की चादर, बर्फबारी की वजह से लुढ़का पारा। एमपी के बुरहानपुर में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। Z News.